काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में भविष्य की रणनीति को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान आगामी निकाय चुनाव के संबंध में बातचीत की गई और संगठन को मजबूत किए जाने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा वार्ड अध्यक्षों के साथ वार्डों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अब तो संगठन को मजबूत करने की एक सतत प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव परिणाम लोकसभा के कुछ भी रहे हों, लेकिन जितना भी हो सकेगा, क्योंकि अब आगे स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव आएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आएंगे, और संगठन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसको और जितना मजबूत किया जा सकता है, उसे मजबूत करने के लिए पिछली बार भी हम आए थे और एक कुछ योजनाएं बना कर गए, जिस योजना के मद्देनजर हमारे जो वार्ड कमेटीज वगैरह हैं उनको जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत जहाँ पे थी वो बढ़ाने की बात थी, जहाँ खाली जगह है रिक्त स्थान को भरने की बात थी और उनको आगे प्रोग्राम देने की बात थी। तो उस सिलसिले में आज ये उसी के संदर्भ में आज अगली मीटिंग है, जिसमें पिछले जो हमने काम किए उसके रिव्यू करेंगे हम लोग, आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और अगले निर्णय के बाद। आज हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर की यहाँ एक कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री प्रकाश जोशी जी भाग ले रहे हैं। चूंकि इससे पहले भी एक मीटिंग यहाँ कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर एक पूरे संगठन को मजबूती करने के लिए पूरी 14 की 14 विधानसभाओं में, अपनी पूरी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा जो क्षेत्र में 14 विधानसभा पड़ती हैं, उनमें पूरे संगठन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है और वो टाइम टू टाइम हर विधानसभा में जाकर एक एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की और वरिष्ठ नेताओं की लेते हैं। इसी सिलसिले में आज भी ये मीटिंग काशीपुर में यहाँ कांग्रेस नवचेतना भवन में रखी गई है। माननीय जोशी जी हर वार्ड की एक समीक्षा बैठक लेंगे और जोशी जी ने हमने हर 4-4 वार्डों की कुछ अपने सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, उन सीनियर नेताओं से भी वार्ता करके उनकी भी एक रिपोर्ट लेंगे कि भाई आप लोगों ने वार्डों में जाकर क्या क्या काम किया, कितना संगठन को मजबूत किया, वार्ड अध्यक्ष कहाँ कहाँ बने हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, सबकी पूरी एक जिम्मेदारी से वो लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।